गाइस काफी टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए इस वीड के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे तो काफी लोगों के कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास डेली आते हैं कि भाई सेंट बर्नार्ड के ऊपर कोई वीडियो लेकर आओ, तो फाइनली ब्रीड आप लोगों के सामने है और वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में। तो भाई अगर आप लोग सेंट बर्नार्ड लवर है ना और आप लोगों को बड़ा डॉग चाहिए था तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी अच्छी हो सकती है। बाकी ये सभी चीजें आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखने के बाद पता लग ही जाएगा कि इसका टेम्परामेंट कैसा है, कहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं और क्या कुछ इसका प्राइस होने वाला है। तो भाई सेंट बर्नार्ड एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है जो कि आप लोग को इसे देखकर इजीली जज कर सकते हो और काफी अच्छे कंपेनियन डॉग्स भी होते हैं। अपनी फैमिलीज के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और उनके साथ लंबी वॉक पर जाना इन्हें काफी पसंद होता है। तो अगर आप लोगों ने ब्रीड ऑलरेडी रखी हुई है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं या फिर आप लोग पहली बार इस ब्रीड को लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि इनका टेम्परामेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये अग्रेसिव नहीं होते। बाकी ओनर का भी यही कहना भाई कि ये जो सेंट बर्नार्ड है ये बिल्कुल फ्रेंडली है। बाकी ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट बर्नार्ड एक फ्रेश फीमेल है और उन्हें इसकी फर्स्ट डेट मिस करा दिया है, तो कुछ ही दिनों में ये सेकंड डेट पर भी आ जाएगी क्योंकि अभी ये जो फीमेल है ना ये जस्ट 12 मंथ्स की हुई है। और भाई मुझे ये चीज काफी पसंद आती है कि आप लोग अपनी फीमेल की फर्स्ट डेट मिस करा देते हो, सेकंड डेट पर ही क्रॉस कराना चाहिए क्योंकि भाई फर्स्ट डेट तो 9-10 महीने के आसपास आ जाती है, शायद कभी कभी उससे भी पहले। तो उस टाइम तक आप लोग खुद सोचो यार, ये खुद बच्चे होते हैं तो बच्चे देने के लिए ये कैसे कैपेबल होते हैं। बट भाई जो लोग पैसों का लोभ करते हैं, आई मीन जिन्हें पैसों से प्यार होता है अपने डॉग से नहीं, तो वो फर्स्ट डेट पर उन्हें क्रॉस करा देते हैं। और बात करें वैक्सीनेशन की तो भाई उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं एंड साथ में शायद आप लोगों को इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल जाएगा। बट हाँ भाई वैक्सीनेशन तो जैसे हो जाती है, बट आप लोगों को जो डिवॉर्मिंग है ना वो टाइम टू टाइम करते रहना है, चाहे आप लोगों के पास छोटा डॉग हो या फिर एडल्ट डॉग। बाकी गाइस इसका नाम क्या है, डाइट क्या और रूटीन क्या है, ये सभी चीजें आप लोग डॉग ओनर से अच्छे से कंफर्म जरूर कर लें ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वैसे स्पीड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, बट फिर भी अगर आप लोगों को इसके बारे में और कुछ भी पूछना है तो भाई आप लोग डॉग ओनर को कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकते हो, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूं। तो डियर फ्रेंड्स एज तो मैं आप लोगों को इस फीमेल की ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो अगर बात करें कि कहां से आप लोग इसे परचेज कर सकते हो तो भाई ओनर की जो लोकेशन है ना वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। एंड गाइस डिलीवरी में आप लोगों को यार ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे, अगर आप लोग इसे परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है और डायरेक्ट जा सकते हैं तो ही आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करें, अदरवाइज यार आप लोग खुद का और डॉग ओनर का टाइम ही वेस्ट करोगे। क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या होती है, छोटे पपीज की डिलीवरी तो कोई भी कर देता है लेकिन बड़े डॉग्स पर एक तो डिलीवरी काफी मुश्किल से होती है और दूसरा डिलीवरी चार्जेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए गाइस फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो भाई फीमेल काफी अच्छी क्वालिटी की है और भाई नियर हीट है और ये अपनी सेकंड हीट पर आएगी, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की ना वो 15,000 पीस यानी 15,000। वैसे क्वालिटी और मार्किंग को देखते हुए उन्होंने प्राइस काफी डिसेंट सा रखा, बट भाई प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस नेगोशिएबल है, तो बार्गेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करके तो जरूर जाएं यार। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।